नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। भाजपा मंडल सिमलवाड़ा व सलालेश्वर द्वारा संयुक्त रूप से 46 वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को लेकर काला दिवस मनाया और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मंडल महामंत्री दिनेश चंद्र पंड्या ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया था। विपक्षी नेताओं को बिना सुनवाई के 19 महीनों तक जेलों में बंद कर रखा गया था। यह कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या थी। वहीं जिला महामंत्री नानूराम परमार ने कहा कि आपातकाल देश के इतिहास का काला दिन है। यह दिन याद दिलाता है कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने दमनकारी नीति के तहत लोगों में डर पैदा किया और अपनी सरकार बचाने के लिए मनमानी की थी। आज हम सभी यहाँ पर 46 वर्ष बाद 25 जून 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था, जिसको कहा जाए कि वह इस प्रकार का कालखंड था जहाँ पर लाखों लाखों लोगों को, कार्यकर्ताओं को और स्वयं सेवकों को उसके अंदर जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था। 19 माह तक यह आपातकाल चला। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिसको उस समय भ्रष्टाचार के अंदर जो है वह प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनको चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया गया था, उससे छटपटा करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने रातों रात 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कराई और कई सारी यात्राएं उस समय दी गई, जिसका परिणाम भी हालांकि 21 मई 1977 को उनको उस आपातकाल को हटाना पड़ा और तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो है वह धराशायी हुई और उसके बाद जनता पार्टी के नाम से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आज भी उस प्रश्नों को आज भी याद किया जाता है। आज साल 2011 में ANM भवनी देवी अपहरण हत्याकांड ने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस बहुचर्चित मामले की मुख्य किरदार भंवरी देवी का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आया है। इस बार इस परिवार के 2 सदस्यों पर सामूहिक बलात्कार और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस परिवार से जुड़े सदस्य की पत्नी ने खेड़ापा थाने में पेश होकर यह आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार बोरुंदा निवासी दिवंगत भंवरी देवी के बेटे और उनके परिवार से जुड़े सदस्य हनुमान नट के बेटे हेमंत पर उसकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दर्ज केस के मुताबिक दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अपने चचेरे भाई साहिल के साथ मिलकर हेमंत ने सामूहिक बलात्कार किया। उसका आरोप है कि ANM भंवरी देवी और अमरचंद के बेटे साहिल और हेमंत ने गत 18 जून को उसे खेड़ापा क्षेत्र में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया है। गौरतलब है कि हत्या के मामले में अमरचंद अब भी जेल में है। साहिल के पिता और भंवरी के पति अमरचंद भंवरी हत्या मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। फिलहाल इस मामले में SC ST कोर्ट में सुनवाई लंबित है। कल दिनांक 24 जून 2021 को थानाधिकारी खेड़ापा को जोधपुर के एक निजी अस्पताल से ये सूचना मिली कि उनके यहाँ एक खेड़ापा क्षेत्र की रहने वाली एक युवती जहर खाकर आत्महत्या के प्रयास के बाद अस्पताल में भर्ती हुई है। सूचना पर थानाधिकारी खेड़ापा, महिला थानाधिकारी जोधपुर ग्रामीण ने पहुंचकर लड़की के बयान लिए, जिस पर युवती ने ये बताया कि उसके साथ उसके ससुराल पक्ष के एक व्यक्ति ने ही बलात्कार किया है, साथ ही उस व्यक्ति का सहयोग उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिस पर खेड़ापा थाना में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान मानवताधिकारी गोपालगढ़ द्वारा किया जा रहा है। सभी नियम और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई जारी है। जोधपुर के बावड़ी कस्बे में आनंद अखाड़ा में बीती रात को अज्ञात चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार चोर आश्रम में खड़ी कार ले जाने की फिराक में थे। चोर धक्का मारकर कार को आश्रम के बाहर तक ले गए, लेकिन कार के स्टार्ट नहीं होने पर कार की वायरिंग को काटकर आश्रम के बाहर छोड़कर फरार हो गए। सुबह महंत परमेश्वर गिरी ने बावड़ी पुलिस चौकी में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की पंचायत समिति सुहागपुरा के ग्राम पंचायत कचोटिया और मोटा मायंगा के अंतर्गत चल रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्य का सुहागपुरा प्रधान ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधान पारगी ने मजदूरों को अच्छे से कार्य करने की बात कही और साथ ही सभी मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया।
और सभी मजदूरों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने की बात कही। उन्होंने मजदूरों से कहा कि महामारी के समय में हमें वैक्सीन भी लगवाना है और अपनी सुरक्षा भी करनी है। वैक्सीनेशन से हमें कोई खतरा नहीं है, वैक्सीन हमारे लिए बहुत ही जीवन रक्षक है। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रधान ने अधिकारियों को मजदूरों को 200 से अधिक मजदूरी देने के निर्देश दिए। बीकानेर के खाजूवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि IGNP में सिंचाई पानी के रेगुलेशन जारी करने को लेकर किसानों ने मांग की है। वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया और बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने SDM कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। इस दौरान कार्यालय में अधिकारी नहीं होने के चलते किसानों में आक्रोश बढ़ गया। आपको बता दें कि सिंचाई रेगुलेशन जारी करने को लेकर यह किसानों की मुख्य मांग है। खबर बूंदी से है, जहां मानव सेवा समिति द्वारा विमंदित बुजुर्ग लावारिस महिला का अपना घर कोटा में दाखिला करवाया गया। मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खटीक ने बताया कि पिछले 4-5 वर्षों से आजाद पार्क में रहकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली लावारिस महिला की पिछले 6 महीनों से हालत काफी खराब हो गई थी। उसे आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था, चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी, जिसकी समाज से भी मयंक चावला द्वारा फोन पर सूचना देने पर मानव सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष राजेश खटीक, गणपति सेवा आश्रम के ध्रुव व्यास और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कोटा अपना घर संस्थान में वृद्ध लावारिस विमंदित महिला को भिजवाया गया, जहां पर उसका उचित इलाज हो सकेगा, वह समय पर खाने पीने की व्यवस्था भी हो सकेगी, स्वच्छता से रहन सहन भी हो सकेगा। इस दौरान हेड कांस्टेबल आत्माराम शर्मा, शिव शर्मा सहित कई कार्यकर्ता व पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। ये विमंदित बुजुर्ग लावारिस महिला है जो पिछले 3-4 वर्षों से फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, इसको दिखाई देना बंद हो गया, चलना फिरने में भी दिक्कत आती है, ये यही तो खाना खाती है, यही लेटिंग पेशाब करती है, इसलिए इसको हम मानव सेवा समिति द्वारा कोटा अपना घर आश्रम में गणपति सेवा आश्रम में इसको वहाँ गणपति सेवा आश्रम के प्रयासों से कोटा अपना घर में इसको एडमिट कराएंगे ताकि इसका इलाज हो सके और इसके टाइम पे रहना खाना भोजन की व्यवस्था हो सके। इस महिला के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं लगी है, मयंक जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमने काफ़ी प्रयास की, कोरोना जांच भी कराई है और पुलिस से मान्यता प्राप्त लेकर लेटर जारी करवा कर इसको हम कोटा छोड़ने जा रहे हैं। सूर्य नगरी जोधपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने के लिए अब स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट नामक एक और संस्थान का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। जानकारी के अनुसार मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण देने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षिका व माइंड कोच अमृता एस दूधिया द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के बाद रोजगार की लायक बनाने के उद्देश्य से संस्थान स्थापित किए गए हैं। इस संस्थान का विधिवत रूप से शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनीत माथुर ने किया। जस्टिस विनीत माथुर ने कहा कि समय की मांग के अनुसार बिना स्किल डेवलपमेंट बेहतर रोजगार पाना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, लिहाजा युवाओं के लिए रोजगार में कदम रखने से पहले स्वयं की योग्यता का आंकलन करते हुए विशेष प्रशिक्षण लेने के बाद यदि कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से क्वालिटी और गुणवत्ता के आधार पर उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। कि इस समय में जो सबसे ज़्यादा समय की मांग है उसके अंदर हमारे जो साथी लोग हैं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं या जो फील्ड में जाकर के अपना पूरा 100% नहीं दे सकते हैं, उनको जो माइनर छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर उनको काम करना चाहिए उनके बारे में उनकी दक्षता को बढ़ा रहे हैं और जब फाइनल क्रंच होता है तो उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस के अंदर मल्टीफोल्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। तो इस काम को स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो आप जो इम्पार्टिंग द एजुकेशन करेंगे उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और इस शहर के जितने भी हमारे नौजवान हैं जिनको इससे बेनिफिट होगा वो इसको ज्वाइन करेंगे और इस पूरे जो कोर्स को है उसको जब ग्रहण करने के बाद जब फाइनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको डेफिनेटली एक फोटो फिनिश नज़र आएगा और जो इन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी एक मिसाल के तौर पर वो आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए बताएंगे लोगों को। इस इंस्टीट्यूट के को शुरू करने के पीछे उद्देश्य, 15 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, माइंडसेट ट्रेनिंग से रिलेटेड काम किया है मैंने, एक कहीं कमी जो लग रही थी वो
कहते हैं मनोमूलम इदम जगत, माइंड इज द बेसिस ऑफ ऑल क्रिएशन। हम टेक्निकल स्किल सीख जाते हैं, हम पढ़ लिख के आ जाते हैं, पर इसका क्या, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या जो हमें चलाता है। तो ये जोधपुर में पहली स्किल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रति समर्पित है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी इस इंस्टीट्यूशन में आता है कौशल सीख के रोजगार पाएगा और एक नेतृत्व की कला को बनाकर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि जरूर पाएगा। मोजबाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जनसंघ के कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा मंडल दूधू दक्षिण के द्वारा बालाजी मंदिर के प्रांगण में जनसंघ के कार्यकर्ता का स्वागत सम्मान श्रीफल देकर किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जनसंघ में आपातकाल के समय जेल गए उन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान श्रीफल व भाजपा का दुपट्टा पहनाकर किया गया। बूंदी जिले में घर घर जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्षेत्र में कोरोना महामारी या अन्य कारणों से जो पिता अपना जवान पुत्र व पत्नी अपने पति को, बहन अपने भाई को खो चुकी और मासूम छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का हाथ गवा चुके बच्चे, ऐसे दर्द भरे परिवार के लोगों के पास गांव व घर दुख बांटने व सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। इस दौरान बिड़ला ने आर्थिक सहायता के लिए आश्वस्त कर परिवारों को उम्मीद की एक किरण दिखाई है। भाजपा खटकड़ मंडल अध्यक्ष महेंद्र ढोई व भाजपा युवा मोर्चा खटकड़ मंडल अध्यक्ष हरिओम प्रजापत ने बताया कि अपने एक दिवसीय बूंदी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर ओम बिड़ला रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला व बूंदी विधायक अशोक डोगरा ने क्षेत्र के गांव में पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मां सरस्वती विद्यालय हाट चौक पर कार्यकर्ताओं से मिलकर चिकित्सकीय सेवा की जानकारी ली व क्षेत्र की समस्याएं सुनी। इंसान पूरी शिद्दत से अपने परिवार और बच्चों के लिए मेहनत करता है ताकि उसे बुढ़ापे में थोड़ी राहत मिल सके, लेकिन कुछ इंसान इतने बदनसीब होते हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी परेशानियां कम होने की बजाय निरंतर बढ़ती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला है राजसमंद के आमेट उपखंड की दोवड़ा पंचायत के सेंगणवास गाँव का। आपको बता दें कि वहां के निवासी गोपीलाल नायक, जिनके परिवार में एक जवान लड़का और पत्नी मौजूद है, लेकिन दोनों मानसिक विमंदित हैं। गोपीलाल के पुत्र की हालत तो यह है कि उसे घर में जंजीरों में कैद करके रखा गया है। गोपीलाल बताते हैं कि 20 साल पूर्व उसकी पत्नी को मानसिक बीमारी हो गई, उसका उदयपुर में उपचार भी करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद से पत्नी घर पर ही है। माँ की मानसिक स्थिति से परेशान होकर पुत्र भी पागल जैसा हो गया। लगातार आर्थिक हालात खराब होने से उसे भी घर में ही कैद रखना पड़ा। जब यह खबर सोशल मीडिया से वायरल हुई तो आमेट SDM निशा सहारण खुद पीड़ित के घर पहुंची और मेडिकल विभाग की टीमों को बुलवाकर जिला चिकित्सालय में इनके उपचार की व्यवस्थाएं करवाने के निर्देश दिए और परिवार को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। 20 साल से ये भी पागल है, इनको उदयपुर लेके गया, 3 बार करंट की चोटें भी लगवाई, तो भी इनका माइंड सही नहीं है। तो वो पागल है तो, और ये बच्चा भी है, वो उनकी टेंशन से ये भी आज 11 साल से ये भी पागल है। तो ये अभी ये जंजीर से बंधा हुआ है, लेकिन छोड़ दूँ तो ये यहाँ इधर उधर चला जाता है और एक दूसरे को कहता हूँ ले भाई मेरा बच्चा वहाँ इधर घूम गया, तो कोई भी आसपास के लोग आते हैं, उनको एक बार केलवा से लाए, एक बार आमेर से लेके आए। और इनको NFSA का फ़ायदा भी मिल रहा है, NFSA के तहत हर महीने 30 किलो गेहूँ अभी वर्तमान में इनको मिल रहा है। और इनके यहाँ पर सरकार की तरफ से पक्के मकान की भी व्यवस्था कर दी गई है। इनके यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो वो सेक्रेटरी साहब को मैंने निर्देश दे दिए हैं कि उसका फॉर्म सबमिट करवा के इनके यहाँ पर एक टॉयलेट बनवा दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे मेजर इशू यहाँ पे ये राकेश के ट्रीटमेंट का है, क्योंकि ये अपने फादर को और दूसरे लोगों को नुकसान भी कई बार पहुँचा सकता है। तो BRK हॉस्पिटल में जो इस डिपार्टमेंट के HOD हैं उनसे अभी मेरी बात हुई है, तो हम इसकी व्यवस्था करवा रहे हैं कि RK से इनका रेगुलर एक ट्रीटमेंट हो जाए। अगर कुछ दिन एडमिट करवाने की वहाँ पर ज़रूरत हो तो इनको वहाँ पर एडमिट करवा दिया जाए, और फर्दर फिर हम इसको यहाँ पर कंसर्निंग PHC के इंचार्ज भी आए हुए हैं, वो इसको फिर परस्यू कर लेंगे कि इसको आगे और किस तरह से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए इनको कहीं विमंदित गृह में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए TPB News।